तो दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हम बुकरम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, और इस डिज़ाइन का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आने वाला है, और इसको बनाने का तरीका भी दोस्तों बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने से पहले हम आपको अपना एक छोटा सा खास मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारे रूफ सर ने एक चैनल चलाया हुआ है जिसका नाम है पी के है क्या। दोस्तों आपको चैनल का नाम सुन के थोड़ा अजीब सा तो लगा होगा, लेकिन इस चैनल की खूबियां जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। इस चैनल के अंदर आपको नए नए प्रोडक्ट सीखने को मिलेंगे, जैसे कि फटे हुए कपड़े से, बचे हुए कपड़े से और पुराने कपड़े से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रोडक्ट सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो पट्टियाँ ली हैं कुर्ती के ही कलर की, जिनकी लंबाई हमने 30 इंच रखी है और चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। अब हम इन पट्टियों पर कुछ मार्किंग करना आपको सबसे पहले बताएंगे। ये हमने अपनी एक पट्टी बिल्कुल सीधा पार्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और इस पर हम 2-2 इंच पर मार्क लगाएंगे। मार्क दोस्तों हल्के हल्के लगाने हैं, आपको दिखने नहीं चाहिए, मतलब बारीक हों, सिर्फ आप ही को दिखें। तो दोस्तों ये हमने अपनी पट्टी पर निशान लगा लिए हैं। अब हम अपने निशानों पर प्रेस की मदद से क्रीज बना देते हैं, देखिए इस प्रकार से। देखिए ये हमारी एक क्रीज बन गई। इसी प्रकार से हम अपनी दोनों पट्टियों में निशान लगाकर क्रीज को बना देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी दोनों पट्टियों पर निशान तोड़ लिए हैं, और अब हम इन पे पिनटैक्स डालेंगे। तो पिनटैक्स कैसे डालेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने इस वाले निशान को पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में 1/2 इंच चौड़ी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपनी 1/2 इंच चौड़ी सिलाई लगा दी है। इसी प्रकार से हम अपने सारे निशानों पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपनी दोनों पट्टियों पर इस तरीके से पिनटैक्स डाल ली है, और अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी इन पट्टियों में जो ये पिनटैक्स हैं इनका रुख हम दोनों का एक ही तरफ को कर देंगे, चाहे तो आप इधर को कर लें और चाहे इधर को कर लें। तो ये हम इधर को कर देते हैं। और रुख को करने के बाद में दोस्तों उल्टी तरफ हम अपने पेपर फिनिशिंग भी चिपका लेंगे दोनों पट्टियों पर। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों ही पट्टियों का रुख एक तरफ कर दिया है और पेपर फ्यूजिंग उल्टी तरफ चिपका ली है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी दोनों पट्टियों के बीच सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपनी पट्टी के बीच सेंटर में सिलाई लगा ली है, और अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपकी पिनटैक्स है इसको इस तरीके से सिलाई की मदद से मोड़ना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आपका डिज़ाइन इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है। जिस तरीके से हम इधर सिलाई लगाकर अपनी पट्टियों को मोड़ रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली साइड पर भी इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे मोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हुई है। इसी सेम तरीके से हम अपनी दूसरी वाली पट्टी को भी बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने दोनों ही पैटर्न इस तरीके से तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसके किनारी पर ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर अपना 3 इंच चौड़ा ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। तो पहले हम अपने ब्लैक कलर के कपड़े को नीचे रखेंगे, और उसके बाद इस पट्टी को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। अब हमें जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी ही चौड़ी सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों हम अपनी ब्लैक कलर की पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और ये पाइपिंग हमारी इस तरीके से निकल कर आएगी। हम यहाँ पर बराबर में सिलाई लगाते हुए पूरी पाइपिंग को कंप्लीट कर देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आ गई है। तो जिस तरीके से आपने अपने इस पैटर्न पे पाइपिंग लगाई है, उसी सेम तरीके से दूसरे वाले पैटर्न पर पाइपिंग निकाल लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई मारकर एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों ही पैटर्न पर बहुत ही खूबसूरती के साथ पाइपिंग लगा ली है और अब हम अपने दोनों ही पैटर्न को इस तरीके से मिलाकर नीचे से 5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। ये हमने अपने 5 इंच पर एक मार्क लगा दिया है और अब इसके बाद दोस्तों हम एक कपड़ा लेंगे कुर्ती के ही कलर का, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में जो ये बंद वाला हिस्सा है, इस बंद वाले हिस्से के ऊपर हम अपना एक पैटर्न इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद सिलाई मारकर इसको अटैच कर देंगे। और अब इसी तरह हम अपने दूसरे वाले पैटर्न को भी इसके बराबर में यहाँ पर रखेंगे और रखते हुए सिलाई मारकर इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही पैटर्न हमने एक दूसरे से अटैच कर दिए हैं और नीचे वाला जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया है कुर्ती में अटैच करने के लिए। दोस्तों इसकी जो चौड़ाई बाहर की तरफ तैयार आपको दिखाई देगी वो देगी 3.5 इंच। तो इसके लिए हमें अपनी कुर्ती में भी कुछ कटिंग करनी होगी। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें आपको दोस्तों 1.5-1.5 इंच पर मार्किंग लगानी होगी। और ये मार्किंग दोस्तों आपको 14.5 इंच तक लगानी होगी, मतलब कि कमर की लंबाई तक। आपके सूट की कमर की लंबाई जो है वो चाहे 14 पर हो या 13 पर हो, उसी हिसाब से आपको रखनी होगी। और अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो ये 14.5 पर निशान है, इसमें हम 1/4 इंच का निशान नीचे से कम कर देते हैं लंबाई में और अब हम इसकी ऊपर से कटिंग कर दे निकाल देते हैं बीच वाले कपड़े को। तो ये पट्टी हमने यहाँ से काट कर निकाल दी है और इसके बाद जो ये कोना आप देख रहे हैं, इस कोने पर हम इस तरीके से तिरछा कट लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से अपना कट लगा दिया है और अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी इस कुर्ती में इस पैटर्न को अटैच करेंगे। तो दोस्तों पैटर्न को अटैच करने के लिए आप अपनी कुर्ती को कुछ इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद में देखिए यहाँ पर आपका जो ये कट जो आपने लगाए थे, इस तरीके से कपड़ा बनकर तैयार हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले पैटर्न को नीचे रखेंगे। ये देखिए, पैटर्न को नीचे रखने के बाद में जो ये आपका कपड़ा है इसको अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद में कुर्ती का जो 20 सेंटर है आपकी पाइपिंग के बीच में इस तरीके से मिलना चाहिए और मिलाने के बाद में यहाँ से आप इसकी सिलाई शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी इस तरीके से ये अटैच हो रही है और साइड वाला मार्जिन आपको 1/4 इंच का अंदर करते हुए सीधी सिलाई लगानी होगी। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुर्ती का कोई भी पार्ट खींचना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक साइड से हमारा जो पैटर्न है वो अटैच हो गया है। इसी सेम तरीके से हम अपनी दूसरी वाली साइड का पैटर्न भी अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने यहाँ पर अपने पैटर्न को अटैच कर लिया है और अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी कुर्ती में नेक काटेंगे। तो इसके लिए हमें अपनी कुर्ती को इस प्रकार से डबल फोल्ड करके रखना होगा। तो ये हमने अच्छी तरीके से डबल फोल्ड कर ली है और इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान लगा लेते हैं। नेक की ब्रॉडनेस हमारी 6 इंच है तो 6 इंच का हाफ करके 3 इंच पर मार्क लगेगा और लंबाई हमारे नेक की जो 6.5 इंच है तो यहाँ से हम सीधा सीधा 6.5 इंच पर मार्क लगा लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से अपनी एक राउंड शेप इस प्रकार से दे देंगे और इस पे हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है और इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक पर यहाँ पर गोलाई में पाइपिंग लगाएंगे। तो दोस्तों पाइपिंग निकालने के लिए हमने यहाँ पर अपनी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी और एब ली हुई है और अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी कुर्ती में किस प्रकार से। देखिए, इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए हम अपनी इस पट्टी को गोलाई में अटैच करेंगे।
ये हमने अपने आधे नेक पर इसको अटैच कर दिया है और आधा इंच पट्टी को एक्स्ट्रा काट लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी इस पट्टी को इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में ऊपर से क्वार्टर इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने आधे नेक पर गोल पट्टी इस तरीके से लगा दी है और इसी सेम तरीके से हम अपने बाकी आधे नेक पर भी पाइपिंग निकाल लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सुई की मदद से डिज़ाइन बनाना है। तो जिसके लिए आपने जो यहाँ पर अपना 5 इंच पर कपड़ा लगाया था, इससे ऊपर की तरफ आपको एक 2 इंच पर मार्क लगाना होगा। इस 2 इंच में बीच में आपको एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाना है जो आप अपने रेड कलर के धागे से बनाएंगे हाथ वाली सुई की मदद से। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से नीचे से सुई को निकालेंगे। और सामने अपोजिट साइड में तिरछा इस तरीके से सुई को डालेंगे। और डालने के बाद में दोस्तों ये हमने सुई डाल दी। अब हम सुई को दूसरी साइड से यहां पर अपनी दूसरी वाली साइड पर इस तरीके से निकालेंगे क्वार्टर इंच की दूरी पर इस धागे से। और निकालने के बाद में हम वापस सुई को डालेंगे यहां पर। तो देखिए दोस्तों हमारा यहां पर कुछ इस तरीके का ये डिजाइन बनकर आएगा। इसी तरीके से हम अपने 2 इंच तक पूरे डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गया है। और आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों हमारे रूप सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।